चटनी पूड़ी, छोटी कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, एवरीथिंग। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके गांव आ गए हूँ। ना तेल रुकता नहीं है, पूरा का पूरा तेल जो है ना वो सोख लेता है। भला अगर बात करें ना, ये देख सब्जी देख आलू की, एकदम बढ़िया से सब्जी है, मजेदार, बहुत बढ़िया। प्रेस किया, ऑयल नहीं है। तो भाई शालीमार बाग आ चुके हैं। प्रभु दयाल स्कूल के जस्ट पास में एक शॉप है श्री मोहन जी पूड़ी वाले। इनकी कोई ब्रांच नहीं है पहली बार। यहाँ पे दो दुकानें हैं जो सेम माल बेचती है, लेकिन अच्छा ये पूड़ी वाले पे हम आए हैं। और बनियों का जो ब्रेकफास्ट होता है ना टिपिकल, जो एकदम तो स्टेपल फूड जैसे बोलेंगे, बेड़ई, बेड़ई बोलते हैं यूपी के अंदर, यहाँ बोलते हैं बेडमी पूड़ी। बेडमी पूड़ी, छोटी कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मिलेगी। आलू की सब्जी के साथ, कचालू के अचार के साथ। और सीखा तो देख, आप स्माइल देख लो बनिया की, भला कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके गांव आ गए हूँ। तो एक काम करते हैं भाई, गांव लेके चलते हैं आज। आज बनियों का खाना खाएंगे पंजाबी लोग। हाँ। और एक्चुअली मैं बोलूँ ना कि बनिया पंजाबी ये कुछ नहीं होता, जो ये फूड होता ना इसमें कोई रिलीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सबको अंदर चलते और बढ़िया से फूड इंजॉय करते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो भाई साहब, ब्रेड पकौड़े हैं इनके पास, ये है भाई इनकी छोटी वाली कचौड़ी, ये बड़ी वाली कचौड़ी, और समोसे और बेड़ई। भला अगर बात करें ना, ये देख सब्जी देख आलू की, एकदम बढ़िया से सब्जी है, आलू की सब्जी, ये दिखाना अच्छे से हिला के सब्जी। ये देख भाई, यही सब्जी आती है हर एक सबके साथ, मतलब पूरी का भी यही वाली है। अच्छा आलू छोले दोनों मिक्स देते हो, क्या बात है भाई, आलू छोले मिक्स है। छोटी कचौड़ी कितनी आती है एक प्लेट में? पाँच पीस, 35 रुपये की प्लेट है, 5 पीस है। बेड़ई की 40 रुपये 2 पीस है, सारा रेट लिखा हुआ है। और चीज़ एकदम बढ़िया है, गर्मा गर्म बेड़ई निकल रही है, जैसे जैसे ऑर्डर दोगे वैसे वैसे। बारिश का मौसम है, तो एक काम करते हैं, लगवाते हैं कुछ आइटम। भैया ये लगाना एक प्लेट, सब्जी के साथ ही लगाना, सब्जी के साथ ही। ये देखो भाई, हाँ जी बीच में डाल के दिखाओ, अचार मत डालना, अचार मत डालना, बस इसी में डालो। ये देख ये 35 रुपये प्लेट है जो बन रही है, ले लो। अच्छा जी, कितना टाइम से आ रहे हो? 6 साल से। अच्छा जी, 6 साल से रेगुलर कचौड़ी खा रहे हो। क्या खाते क्या यहाँ पे आके? सबसे बढ़िया कचौड़ी पूड़ी वगैरह सब बढ़िया। तो भाई ये कचौड़ी ले ली है, बाकी अब बनवाते हैं बेड़ई। आ जाओ, ये देखो भाई साहब, गर्मा गर्म बेड़ई बनाई जा रही है, 40 रुपये मात्र कीमत है, जिसमें दो बेड़ई आएगी। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये शालीमार बाग जो है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे बनियों का एरिया है, वेजिटेरियन लोग यहाँ पे ज़्यादा है, और उनका नाश्ता है ये सबसे बढ़िया खाने वाला। और इसकी खास बात ये होती है, इसमें ना तेल रुकता नहीं है, पूरा का पूरा तेल जो है ना वो सोख लेता है, एक्स्ट्रा तेल आपको हाथ में नहीं आएगा जब इसको लोगे आप। समोसे हैं एकदम बढ़िया, बड़ी वाली कचौड़ी है, ये देख ये कचालू का अचार, साथ में मिर्ची का अचार, कचालू, मिर्ची, छोटी कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, हर एक चीज़ है। दोनों ने ग्लव्स मतलब कि हाथ में, दोनों ने हेयर कैप पहन रखा, ठीक है। और ये पैकिंग धड़ाधड़ चल रही है, स्विगी जोमेटो पे भी है, जोमेटो पे है, जोमेटो पे भी है भाई, अगर आप आ नहीं सकते हो तो आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये देखो भाई, यहाँ पीछे बनती है भाई कचौड़ियाँ, और ये बड़ी वाली कचौड़ी बन चुकी है। एक काम करते हैं भाई, गर्मा गर्म लगवाते हैं, एक प्लेट बड़ी वाली कचौड़ी, एक प्लेट छोटी कचौड़ी और बेड़ई। पनीर वाला ब्रेड देख रहा है मैंने, ये देख पनीर वाला ब्रेड बन रहा है, मतलब आइटम पता है कौन से आइटम? सारे वो वाले हैं जो बारिश में खाने में मज़ा आता है, ये वो वाले आइटम है सारे के सारे। अब हमारी भी भाई बेड़ई आ चुकी है, कचौड़ी लग चुकी है, छोटी कचौड़ी लग चुकी है, तो देर किस बात की है, चलते हैं। और गर्मा गर्म टेस्ट बताता आपको टेस्ट कैसे। और ये लगी भाई पूरी रेट लिस्ट, क्या क्या यहाँ मिलता है, कितने रुपये का, सब चीज़ें दिख रही है। जोमेटो पर आप ऑर्डर कर सकते हो, श्री मोहन जी पूड़ी वाले के नाम से आपको जोमेटो पर भी मिल जाएगा। अब आ जाओ टेस्ट कराते हैं आपको टेस्ट कैसे। तो भाई ये आ गया भाई सारा सामान, पहले इधर आ जा देख लो अच्छे से, बेड़ई देख, मतलब कि चीज़ देख कि बिल्कुल भी ना, ये ऐसे पकड़ा, ये प्रेस किया, ऑयल नहीं है। तो ये ख़ास बात होती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर ना दाल की पिट्ठी होती है। और ये छोटी कचौड़ियाँ देख, सारी सब्जी में लिफ्टी पड़ी है, हाफ लिफ्टी पड़ी है, सीधा उठाया और सीधा बाइट, ये ऐसी वाली चीज़ है। आलू की सब्ज़ी अलग से ली है हमने कचौड़ी के लिए, ये बड़ी कचौड़ी है, इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की है मैं अभी फोड़ के दिखाता हूँ। और साथ में कचालू का अचार है, और साथ में मिर्ची का चारा। चीज़ ऐसी है कि हर एक बनिया जो यहाँ पे है, ये हमारे बनिया हमारे साथ हैं, बता तू बता कि ब्रेकफास्ट यही होता है, मेजर ब्रेकफास्ट यही
ये मेजर ब्रेकफास्ट है एक्चुअली में बात करें। हाँ तो एक मेन चीज़ यही है कि भैया वेजिटेरियन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी वीडियोस हम नॉनवेज डाल रहे थे तो सोचा कुछ वेज भी होगी, बीवी भी वेजी है, पंजाबियों को भी ये खाना अच्छा लगने लगा है। क्या कह रही है? मैंने कहा पनियों के साथ पंजाबियों को भी ये खाना अच्छा लगने लगा है। तो फिर आ जाओ, फिर करो टेस्ट, करो स्टार्ट, करो 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 करो। ये देखिए उठाया डायरेक्ट, दोबारा सब्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको, ये सीधा ऑलरेडी भीगी पड़ी है। चेयर्स जी, चेयर्स। ओए होए, अच्छा कई लोगों की ना ऐसे जो नाश्ता जो देते हैं, सब्जी बड़ी स्पाइसी भी होती है, कई लोगों की मीडियम होती है, बट इसकी सब्जी है मीडियम है। हाँ मतलब कि अगर आप खाओगे ना तो ऐसे नहीं कि पानी दे वो वाले चीज़ नहीं। अच्छा खासा था, जो खट्टा बना था वो बहुत सही है। बहुत बढ़िया, हाफ बात कि क्रिस्पी है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मजा आ गया जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये दाल वाला जो क्रंची आ रहा है उसके साथ में, और ये चटपटी सी सब्जी, इसके अंदर फिलिंग भी है, दाल की भट्टी होती है ना, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी है। ये इतनी देर से पड़ी हुई थी कि ये अभी भी एकदम सुपर क्रिस्पी है, और ये मेरी फेवरेट है यहाँ पे। ये देख स्टफिंग देख, ये देख कचौड़ी की, इसमें भी दाल की ही पूरी स्टफिंग है। वाह, ये आपको दाल के पीसेस भी दिख रहे होंगे, सॉफ्ट है, साथ में कस्तूरी मेथी है। धुआं निकल रहा है भाई, धुआं निकल रहा है काफी गर्म है भाई, ये ताज़ा ताज़ा बनवाई थी ना इसलिए ये ताज़ा ली है भाई। बारिश के टाइम पे ना इससे बढ़िया आपको ब्रेकफास्ट शायद ही मिले, या ये या छोले भटूरे, यही दो चीज़ें हैं जो दिल्ली में चलती हैं। भाई ये बाइट बन गया, ये बाइट बहुत बढ़िया होगी भाई, मज़ा आ जाएगा। और ये बाइट मैं खिलाऊंगी दुआ जी को। आ जाओ जी, आ जाओ। छोटी सी छोड़ी है इन्होंने मेरे लिए। भाई मरेगा, बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, एकदम गरम गरम बन के निकली। ये देख, ये भाई पूरी स्टफिंग के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। ये ऐसे लगाई साथ में, हाथ में होता ना अगर चाय का गिलास या लस्सी का गिलास, तो फिर ये कंप्लीट हो जाता। पर एक चीज़, ये कचौड़ी थोड़ी हैवी है खाने में। हाँ, और एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये आप पतली पतली कचौड़ी हैं आराम से खा जाओगे, डिप हुई है आलू में। एक मैंने कचौड़ी खाई थी पूरी, पता नहीं लगा इसकी, शायद एक ही बाइट खाया भाई। इसकी जो लेयर है वो बहुत मोटी है, और ये तो एकदम पतली है, ये बिल्कुल पतली है। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत हैवी है, अगर आप एग्जैक्टली जब आप इसे खाओगे ना, तो इसके साथ आप पूरी खाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा छोटी कचौड़ी का पूरी खा सकते हो, बट बड़ी वाली कचौड़ी के साथ नहीं। तो भाई ये था हमारा यहाँ का एपिसोड, अगर आपको पसंद आया ना तो शालीमार बाग आओ और यहाँ पे आके इसको ट्राई करो।